दोस्तों वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो निकल पड़े एक नए सफ़र के तौर पे, यहाँ से जाएंगे हम अबू धाबी में हुए, यहाँ से मैं जाऊँगा रोम, इतिहाद का फ्लाइट पकड़ूँगा। क्या क्या प्रोसेस है यहाँ से जाने का, रोम पहुँचने का, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं और कैसे आप पहुँचते हैं, इन सब पे एक डिटेल वीडियो ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों। भाई साहब, ये है अबू धाबी का नया टर्मिनल ए, जिसको अब जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ रोम के लिए और रोम से मैं जाऊँगा ज्यूरिख। पूरा एयरपोर्ट देखो भाई, मैं एक बात बताऊँगा, मैंने एक बॉट अभी पानी लिया है, उस पानी की कीमत है 37 दिरहम, जो कि इंडिया के हिसाब से 800-850 होता है। तो अभी तक का सबसे कॉस्टलीस्ट मैंने वो पानी यहाँ पर लिया भाई, सच बता रहा, इससे महंगा पानी मैंने अभी तक नहीं लिया, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये बहुत ही महंगा पानी था, क्योंकि पानी की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर ठीक है, स्टैंडर्ड है और जितना एयरपोर्ट इस तरह से बनाया स्टैंडर्ड है भाई। दूसरा, रोम के लिए इतिहाद की तो टिकट है, हमेशा सस्ती लेता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी सी महंगी पड़ी थी। और वहाँ से वाया उसके बाद ज्यूरिख जाऊँगा 2 घंटा होल्डिंग के बाद। इमिग्रेशन कुछ नहीं पूछते, कोई सवाल जवाब नहीं, खाली चेकिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि भाई आपका रिटर्न टिकट हो। लेकिन मेरे केसेस में रिटर्न टिकट भी नहीं पूछते, कोई सवाल जवाब नहीं पूछते हैं, ना होटल पूछते हैं। लेकिन जो नए बंदे होते हैं उनको होटल टिकट भी पूछेंगे, उनको रिटर्न टिकट भी पूछते हैं। हमारे केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम फ्रिक्वेंट ट्रेवलर है, यहाँ से जाते हैं अक्सर, और यहाँ से वीजेयर भी जाती है। और जो इतिहाद की टिकट है वो मोस्टली 1000 रुपये मिल जाती है, इतिहाद की तो 500-600 मिल जाएगी। तो इतना ही, और जाते जाते ट्रेवल करेंगे और आपको बताएंगे इतिहाद की जो ये बोइंग फ्लाइट है कैसी है और इसके क्या क्या फैसिलिटी है। इसमें सब कुछ मिलता है, वाईफाई भी है, आई थिंक चार्जेबल है थोड़ा बहुत, इसमें फूड मिलता है और लेग स्पेस अच्छा होता है। लैंडिंग के बाद क्या है, ट्रेवल रास्ते में क्या है, और थोड़ा सा आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ था फूड कोर्ट है, यहाँ पर पीछे लॉन्च है, यहाँ पे फूड कोर्ट, ऊपर आपको बर्गर किंग और टेक्सास सब मिल जाएगा, कॉफ़ी शॉप सब कुछ मिल जाएगा। और तो दोस्तों एक ही चीज़ बोलूँगा कि ट्रेवल करने का अपना मज़ा है, बट जेब कभी कभी ढीली करनी पड़ती है आपको, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है, चीज़ें बहुत कॉस्टली होती जा रही है, टिकट भी महंगा हो। इस टाइम ईद का टाइम है, तो मैं ईद के टाइम पे ट्रेवल कर रहा हूँ, तो बहुत क्राउड है और बहुत महंगी टिकट है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका फूड कोर्ट, जो मैंने आपको बताया था 850 रुपये का मैंने लिया था। बट दोस्तों मैं जस्ट यहाँ नीचे आया और ये डब्लू स्मिथ करके है यहाँ पर। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर जो मैंने पानी लिया वहाँ पे मैंने 37 ग्राम का 1 लीटर लिया, यहाँ पे मेरे को 10 दिराम में 3 लीटर पानी दिया। तो दोस्तों अगर अबू धाबी एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो पानी अगर नहीं मिल रहा है और अगर फूड कोर्ट में जा रहे हो तो प्लीज़ अलर्ट होके जाना, क्योंकि जो 10 ग्राम का 3 पीस है वो 1 ग्राम के ऊपर 1 पीस भी मिल रहा था, बट मुझे नहीं मालूम था क्योंकि ये नया एयरपोर्ट था, हमने इतना देखा नहीं। तो आपको कभी तो चीपेस्ट का सामान लेना हो, मतलब चीपेस्ट तो नहीं हुआ यार, भी बहुत महंगे है, फिर भी पीछे जो मेरा डब्ल्यू स्मिथ दिख रहा है इसमें से पानी एटलीस्ट आपको सस्ता मिल जाएगा और कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप सर्वाइव कर लो। ऊपर ही जो फ्रूट का एक पैक था वो करीब 46 दिरहम का था, यहाँ पे मैंने 18 दिरहम का लिया है। तो थोड़ा सा अबू धाबी एयरपोर्ट पे आओगे तो सी गेट के एग्जिट के पॉइंट्स पे आपको ये मिलेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में दोस्तों। आपका रोम का फ्लाइट, स्पेस अच्छा है, एक इन्होंने ब्लैंकेट दिया हुआ है, पिलो दिया हुआ है, इंटरटेनमेंट है, खाने पीने होंगे, सब कुछ है होगा। भाई साहब बोइंग 777 की वॉशरूम देखो, बहुत बड़ी वॉशरूम, आपने इतना बड़ा वॉशरूम बहुत कम फ्लाइट में देखा होगा दोस्तों। ये देखो बहुत बड़ी वॉशरूम है, ये वॉश मशीन है, ये देखो पूरा एकदम काफ़ी बड़ा, देख रहे हो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, ठीक है ना। ये देखो मैं चल रहा हूँ बाकायदा, ये देखो चल रहा हूँ और काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, अच्छा खासा वॉशरूम है दोस्तों, ठीक है। टिशू भी रहता है, जिन्होंने देखो आप जिनके साथ बच्चे होते हैं वो अपने उठा के अपने बच्चों को यहाँ पर रख के आराम से ये अपना ये कर सकते हैं, और एकदम बेस्ट वॉशरूम है दोस्तों। ये है इतिहाद का बोइंग 777 जो अबू धाबी से रोम के लिए जाती है, वो फ्लाइट है दोस्तों, ठीक है। पूरा मस्त ग्रीन हॉट वाटर है,
तो ये है आपका रोम का FCO एयरपोर्ट। तो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं ज्यूरिख के लिए, और 2 घंटे का ट्रांजिट में बहुत भाग दौड़ हुई भाई, इमिग्रेशन ये वो सब कुछ किया, कंप्लीट किए, और भागा दौड़ी चल रहा है एकदम स्पीड में। वीडियो ज़्यादा उतर के बताऊँगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है। एहतियात की फ़्लाइट बहुत अच्छी है, आप सब ले सकते हो, बहुत अच्छी फ़्लाइट है दोस्तों, आप सबको जाना चाहिए। और क्या क्या चीप पड़ता है ना, तो बहुत अच्छा है। और ये FCO की खासियत है कि इसमें पैदल बहुत चलना पड़ता है यार दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइम हमें ज्यूरिख के मेन रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से आपको यूरोप की हर सिटी जहाँ भी आपको जाना हो, चाहे जर्मन जाना हो, ऑस्ट्रिया जाना हो, या कहीं भी जाना हो, आपको सब ट्रेन मिल जाएगी यहाँ से। इस वक्त यहाँ से मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे मेन जो एयरपोर्ट है वहाँ से मुझे डायरेक्ट इंटरलाकन का मेरा फेवरेट प्लेस है जहाँ मैं रहता हूँ अक्सर, जब भी स्विट्जरलैंड आया फैमिली के साथ करीबी तो मैं वहीं रुकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि पूरी इंडियन कम्युनिटी और बॉलीवुड के पूरे जितने भी, आपको वीडियोस बाद में ब्लॉगिंग आप देखोगे इंटरलाकन के बारे में, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इंडियन खाना मिल जाता है, रहना बड़ी स्विट्जरलैंड कॉस्टली है बट बेस्ट है। तो यहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ये है आपका ज्यूरिख का मेन रेलवे स्टेशन, आपको जिस सिटी में भी जाना हो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, ट्रेन दे सकते हो दोस्तों। निकल पड़ी है ये नया सफर पर,